हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। कल हमने बात की थी केमिस्ट्री की और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और सबने मुझे बोला कि मैम अब आप फिजिक्स के भी कुछ ऐसे टॉपिक्स करा दीजिए जो हम 10 टू 15 जनवरी तक कर सकते हैं, 22-23 दिसंबर से स्टार्ट करके, सो दैट हमें अपना कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, जो हमारे फिजिक्स में हाल बेहाल हो रखा है वो ठीक हो जाए। सो अगले सिर्फ 2 या 3 मिनट में मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगी फिजिक्स के जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कल वाली बात कि हम तीनों सब्जेक्ट्स में स्कोर करें। बायो हमारी बहुत अच्छी चल रही है, केमिस्ट्री हमने अच्छी कर लेनी है और अगर फिजिक्स अब हमारी अच्छी हो गई, चलो बहुत अच्छी तो नहीं, अच्छी हो गई, हम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों का पेपर मैंने इसको बनाने के लिए एनालाइज किया, फिजिक्स का लेवल कभी भी डिफिकल्ट नहीं आया, फिजिक्स का लेवल हमेशा मॉडरेट आया है। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, 120 टू 140 लेकर आना मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा एक बात बोलूंगी, फिजिक्स पे बेसिक्स पे ध्यान दो, फिजिक्स पे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दो, फिजिक्स की एनसीईआरटी पे ध्यान दो, फिजिक्स पे बहुत ज्यादा करने की बजाय कम करके बार बार रिपीट करने पे ध्यान दो और ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूं आप इन पे ध्यान दो और आप देखते रहना आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। शुरू कीजिए आप लोग सबसे पहले ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। वैसे तो मैंने ये ऑर्डर पे बनाया, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है और इजी टॉपिक्स है, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, मतलब थोड़ी मेहनत की और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वर्क पावर एनर्जी से आएंगे 3 क्वेश्चन, 12 मार्क्स, सिंपल चैप्टर आपकी जेब में। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एक बहुत सिंपल टॉपिक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगेन 12 नंबर आपकी जेब में, 3 मार्क्स जरूर आएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन से सिंपल टॉपिक फिजिक्स में नहीं है, बच्चे बड़े बड़े टॉपिक्स के पीछे, मुश्किल टॉपिक्स के पीछे ये सिंपल इजी के लो हैंगिंग फ्रूट्स को छोड़ देते हैं और इसीलिए स्कोर नहीं कर पाते। 8 मार्क्स, सेमीकंडक्टर्स अगेन 8 मार्क्स, दैट मींस अगर आपने सिर्फ ये दो छोटी यूनिट्स कर ली, सिंपल टॉपिक्स कर लिए तो 16 नंबर आपकी जेब में। ऑप्टिक्स रे वेव ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चंस आते हैं, वेरी सिंपल यूनिट, अगेन नीट वाले अच्छा स्कोर करते हैं इसमें 20 मार्क्स। मॉडर्न फिजिक्स से 20 मार्क्स, मतलब अगर रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स कर ली तो 40 मार्क्स आपके हुए। थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन गारंटीड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स। मॉडर्न फिजिक्स से 20 नंबर 5 क्वेश्चन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 2 क्वेश्चन, दैट मीन्स 8 मार्क्स। टोटल इनसे 30 क्वेश्चंस आएंगे, दैट मींस नियरली 120 मार्क्स एंड दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक्स। आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, मैंने कल टेस्ट सीरीज की बात की थी, जब फुल सिलेबस टेस्ट देना है आप ये करो, ये करने में आपको 8-10 डेज लगेंगे बस, और देखो कि आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो रहा है या नहीं। का जब हमने फोन पर बात की थी तब भी आप लोग कह रहे थे मैम हम लोग एक स्कोर में स्टक है, हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये सिंपल लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं कर रहे। आज ही करिए एंड टेल मी व्हेदर योर स्कोर इज इंप्रूविंग और नॉट। कल मैं मॉक टेस्ट पेपर एनालिसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगी, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव मेरे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।